हेलो दोस्तों, इंडियन ऑयल के बोनस के बारे में हम बात करने वाले हैं। बोनस डेट, बोनस रेशियो के बारे में बात करेंगे, डिविडेंड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा बोनस का उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और बोनस जब कंपनी देती है तो क्या फायदे होते हैं, क्या फायदे नहीं होते हैं, उनके बारे में भी दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले 30 जून सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, नोट करके रखिए, ये एक्स डेट है, एक्स बोनस डेट है, जिस दिन बोनस एडजस्टमेंट होने वाला है। मतलब बहुत सिंपल में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो 30 तारीख से पहले, जी हाँ 30 तारीख से पहले जिनके पास भी IOCL का शेयर है तो वो इस बोनस के लिए एलिजिबल हैं, और 30 तारीख या फिर उसके बाद जिन्होंने भी ये स्टॉक खरीदा है इंडियन ऑयल, तो उनको ये बोनस नहीं मिलने वाला है। अब बोनस का क्या रेशियो है, बोनस का रेशियो है 1:2। 1:2 का मतलब क्या है, अगर आपके पास 2 शेयर है तो आपको 1 शेयर मिलेगा। एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं, समझ लीजिए आपके पास 50 शेयर है तो आपको 25 शेयर बोनस के मिलेंगे, तो टोटल 50 + 25 = 75 शेयर हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आपके पास 20 शेयर है तो आपको 10 शेयर मिलेंगे, तो आपको टोटल 20 + 10 = 30 शेयर हो जाएंगे, और जो भी नए बोनस शेयर हैं वो कुछ दिनों के बाद क्रेडिट हो जाएंगे, वो बहुत उसी समय में जो है बोनस का जो शेयर है वो आपके जो भी अकाउंट है वहां पर दिखाएंगे नहीं। अब बोनस का यहां पर शेयर प्राइस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अब देखिए यहां मैं एज्यूम कर रहा हूं क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये मैं 29 तारीख से पहले बना रहा हूं, तो यहां पर लेट्स एज्यूम करते हैं कि 29 जून को शेयर प्राइस कुछ 110 के आसपास है, ठीक है 110 के आसपास है, तो प्राइस जो है वो 73 के आसपास ये ओपन होगा, ठीक है। तो जैसे ये तो मैंने एक एजम्पशन लिया है, आप 29 तारीख को जो भी होगा उस पर मैं अलग से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन समझ लीजिए 29 तारीख को आपके जो भी आपको प्राइस है उसको आपको क्या करना है, (2/3) कर देना है, तो ये क्या होगा आपको कैलकुलेशन में मदद करेगा, क्योंकि शेयर प्राइस आपको लगेगा कि क्या है, देखो अचानक से 100, 105, 110 के लेवल से कहां 73-74 रुपए में पहुंच गया है, थोड़ा सा चिंता हो सकती है, जो भी होगा तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब हमको नहीं पता है 29 को क्या जो है जो प्राइस में बंद हो रहा है, ये मैंने एक हाइपोथेटिकल जो है एग्जांपल लिया है, तो 73-30 रुपीज उसके आसपास, 73 रुपीज 33 पैसा के आसपास खुल सकता है अगर ये 110 में बंद हुआ था, बाकी जो प्राइस में बंद हो वो आपको (2/3) कर देना। और सिमिलरली आपके पास भी जो आपकी भी बाइंग प्राइस में जो भी है तो वो भी उस हिसाब से आपकी जो बाइंग प्राइस है वो भी आप (2/3) कर दीजिएगा, (2/3) कर दीजिएगा, आपकी बाइंग प्राइस भी उस हिसाब से जो है एडजस्ट हो जाएगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। समझ लीजिए आपकी बाइंग प्राइस 90 रुपए की है, 90, तो 90 × 2/3 कर दीजिए तो कुछ 60 रुपीज के आसपास आएगा, तो आपकी बाइंग प्राइस नई जो बाइंग प्राइस है 90 से 60 रुपए हो जाएगी, सो उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन आपको कर लेनी है। अब डिविडेंड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि देखिए ऑलरेडी 9 रुपए का डिविडेंड आ चुका है, ठीक है 5 और 4 रुपए का, जो भी पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनको पता है, उनको जो इंडियन ऑयल ने पहले डिविडेंड दिया, अब फाइनल जो डिविडेंड है वो उन्होंने 3 रुपीज 60 पैसा, 3 रुपया 60 पैसा का डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन बोनस के कारण ये जो डिविडेंड है वो कम हो जाएगा और ये 2 रुपया 40 पैसा हो जाएगा। अब मैं समझाता हूँ आपको ये कैसे आपको इम्पैक्ट करेगा। देखिए समझ लीजिए आपके पास 10 शेयर है, ठीक है 10 शेयर है तो आइडियली आपको कितना मिलना चाहिए, 10 और 3 रुपया 60 पैसा आपको कितना 36 रुपया मिलना चाहिए, 10 × 3.6 = 36 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन अब बोनस का एडजस्टमेंट हुआ है क्योंकि एक्स डिविडेंड डेट से पहले बोनस आ जा रहा है, ठीक है ना, तो पहले आपको शेयर मिल जाएंगे, तो 10 शेयर अगर आपके पास है तो आपको 5 बोनस शेयर मिल रहे हैं, तो 10 + 5 कितना होता है 15, तो 15 बोनस शेयर है तो आपको सेम 36 जो है रुपया जो है वही मिलेगा, और वो 36 रुपया है क्योंकि देखिए क्योंकि अब 15 शेयर है तो उसको आप 2 रुपया 40 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 36 हो रहा है, तो एक जगह में आपके शेयर बढ़ रहे हैं और एक जगह में जो डिविडेंड अमाउंट है उसी रेशियो में थोड़ा कम हो जा रहा है, तो फर्क एक्चुअली में कहीं भी आपको पड़ेगा नहीं क्योंकि बोनस शेयर जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, मजे की बात यह है कि ये जो 3 रुपया 60 पैसा या फिर ये 2 रुपया 40 पैसा का जो डिविडेंड है उसकी डेट अभी तक भी आई नहीं है, एक्स डिविडेंड डेट है, तो जब भी आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि डेट अगस्त को आए और जब बोनस का सब काम हो जाए जुलाई में, समझ लीजिए आपने स्टॉक खरीदा तो आपको 2 रुपया 40 पैसा ही मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी बोनस के कारण शेयर्स जो है वो
वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल चुके हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। क्या फायदे हैं नुकसान है, तो देखिए सबसे पहले तो लिक्विडिटी बढ़ती है। बोनस शेयर प्राइस कम हुआ तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स भी यूज कर सकते हैं, और कोई भी बोनस के शेयर मिले हैं तो कोई भी टैक्सेस नहीं देने पड़ते हैं। आपको नए शेयर मिले हैं तो आपको उसके लिए कोई एडिशनल कॉस्टिंग आपको नहीं होगी, तो ऊपर से एक तरीके से एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कंपनी के ऊपर। अब दूसरी चीज है रिजर्व कैपिटल जो है, इक्विटी शेयर जो है कैपिटल इंक्रीज होता है, लेकिन फर्क तो कहीं तो पड़ेगा ही, तो बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो कम हो जाता है। और तो बहुत लोग पूछते हैं कि बोनस और स्प्लिट में फिर क्या डिफरेंस हुआ, तो इसीलिए यहाँ जब स्प्लिट होती है तो स्प्लिट में फेस वैल्यू चेंज होती है, यहाँ फेस वैल्यू चेंज नहीं होती। यहाँ पर जो रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो कम हो जाता है एक्चुअली में, और इक्विटी शेयर कैपिटल वो बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल चेंज नहीं हो रहे, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है रातों रात कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ जा रहे हैं, फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं है, प्रॉफिट वहीं के वहीं है, वहीं पर ही है। तो इसीलिए वो चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, कंपनी जैसी थी वैसा ही हुआ है, बस एक कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट हुआ है जहां पर जो शेयर्स हैं वो बढ़ गए हैं। तो उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल आपके चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद आपके समय के लिए।